लाइन मेरे लिए तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मैं हर एक काम ईमानदारी से करता हूँ। एटलीस्ट अपना एक्टिंग का काम तो बहुत ईमानदारी से करता हूँ, स्पोर्ट्स भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ। इसका मतलब ये है, तुम जो भी काम करो उसको तुम विद इन, उस हर एक काम के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके विद इन करना चाहिए। इसका मतलब लाइन का ये है, गलत काम भी कर रहे हो तो यार ईमानदारी से करो, अपने उसमें भी घपला मत करो। तो फिल्म में क्या है कि अफजाल मेरे पास काफ़ी साल पहले एक स्क्रिप्ट लेकर आया था जो कि बहुत ही हास्य रस से भरी हुई मजाकिया फिल्म थी। तो मैंने उसी वक्त उसको ईयर मार्क कर लिया था कि भैया इस डायरेक्टर के साथ तो मैं काम करने ही वाला हूँ। फिर वो मेरे पास लेके आया लाल रंग, तो मैं कहा ये क्या है, बोला आप पढ़ लीजिए। तो मैंने फटाफट वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये खून की तस्करी की। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि देखिए खून सबको लगता है, आप कभी ना कभी बीमार होते हो, किसी भी एज में होते हो, हर एक इंसान को कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड बैंक से मिलता है। तो हमारी मानसिकता क्या है हिंदुस्तानियों की, हमें लगता है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे या ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, किसी की नसबंदी हुई है तो नहीं दे सकते ब्लड, कोई परफॉर्मेंस को कमज़ोर हो जाएगा, हर तरह के कुछ रिलीजियस ऐसे मिथ है कि खून नहीं देना चाहिए। और ब्लड बैंक का ये रूल होता है कि अगर आप खून ले रहे हैं तो आपको वो खून से रिप्लेस करना पड़ता है, आप पैसे दे के नहीं ले सकते। पर चूंकि हमारी मानसिकता ऐसी है, हम लोग हिंदुस्तानी क्या है, पैसे दे के खून खरीद लेते हैं। उस टाइम पे ये सारे लोग यहाँ ये जो ब्लड ये टाउट्स होते हैं, ये जो खून की तस्करी, खून का इलीगल धंधा करते हैं, ये लोग पिक्चर में आते हैं। यहाँ से ये हमारी पिक्चर का बैकड्रॉप है। हम एक्चुअली एक इलीगल ब्लड ट्रेड में काम करते हैं जहाँ पे खून चोरी होकर ब्लैक मार्केट पे बेचा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम रैंडम लोगों को पकड़ के 500 रुपये और एक ग्लूकोज बिस्किट खिलाते हैं, फिर आगे 5,000 या 6,000 में बेचते हैं यूनिट। तो ऐसा धंधा है और एक्चुअली इसका वजूद है। तो इट्स एक्चुअली वेरी हेनिस क्राइम, बहुत ही खतरनाक भयंकर क्राइम है और इंडिया में हो रहा है। तो आई थिंक हमने जिस तरह पेश किया इसको, वी हैवंट, इट्स अ सोशल मैसेज, बट हमने प्रीच नहीं किया इसको, हमने एक्चुअली एक अच्छे से कैरेक्टर ड्रिवन इमोशंस के साथ पेश किया इसको। मतलब इन सब की नहीं, मैं अभी तो ढूंढ रहा हूँ फिलहाल कि कौन ये कर रहा है। तो मैं बेसिकली ये ढूंढ रहा हूँ कि ये ब्लड रैकेट का जो सरगना है कौन है, जो हेड है, तो बस उसी की वो मेरी स्ट्रगल है। मतलब वो जो कहानी चल रही है इसकी एसपी को लेके वो ये है, और बाकी जो शंकर और राजेश कर रहे हैं और लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं वो उसमें लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन जिस वही कह रहा हूँ उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इनके काम है, जो करतूते हैं, उस पर मैं ध्यान रख रहा हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम पूनम शर्मा है, वो सहारनपुर से है, बहुत ही छोटे शहर से है, और अपने आप में बहुत पटाखा है, थोड़ी जल्दी सी भी है वो। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि पूनम का कैरेक्टर लाइक हेलीकॉप्टर गर्ल, बहुत ही पटाखा टाइप की, बहुत कंट्रोल में रखने वाली, और बहुत ही फनी रोल है फिल्म में मेरा। और जैसे कि पूनम को इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, तो उसने एक रैपिडेक्स खरीदी हुई है, उससे वो सीखती रहती है और बोलती रहती है, अक्षय को भी सिखाती रहती है बीच बीच में। और ऐसा सा है, बहुत अच्छा सा लव ट्रैक है मेरा अक्षय का फिल्म में। मेरे कैरेक्टर का नाम राशि बंसल है, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट आई गॉट विद रणदीप इन द फिल्म, एंड ये और रणदीप का बचपन से प्यार है एक, और किस मुकाम पे पहुंचता है ये तो आप फिल्म देखेंगे तभी समझ में आएगा। बट शी इज़ अ कॉन्फिडेंट गर्ल, डॉक्टर बनने वाली है, मेडिकल स्टूडेंट है, और शी इज़ गॉट अ वेरी कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स, बट जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकती है, जैसे एक छोटे शहरों की लड़कियों में हिचक होती है या उनकी फैमिली कंट्रोल करती है उनके डिसीजंस को, वो एक बहुत बड़ा इशू है उसकी लाइफ में।